है गाँव में, पूरे गाँव भरे में तो अनाज फैला हो जाती है। माता की ऐसी परंपरा होती है कहते हैं पूरी सब सखियाँ जाती फैलाओ सामान एक के ब्लाक के है तो ब्लाक फैला सामान के व्रत के प्रभाव से सत से जमा जा फसल है। मैं देखा था तुम्हारी कैसी जा मरा की का हुआ सब अपनी अपनी ब्याह जो जो राम राम बहन सीताराम झाड़ू लगा रही अब तो लगा अच्छे से लगा अच्छे से लगे मम्मी तो भैंसा ढोरन की करा तरह सवेरे सवेरे से मम्मी राम 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 फिर कहाँ जाए ट्यूशन चलो ठीक है चल जाओ राम 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 अच्छे से जज्जू है काहे को कर का रही ठंड लग गई काहे वो नक्शा में चली जाओ अच्छे से जाओ अच्छा नक्शा है तो मैं सूटा नहीं था हां जो सूटा है जो नक्शा है ना यो का है जो ओ गाइस हम भी पूजा करे हैं अपनी उत्तर ठाकुर जी के पास में लेकिन आज आज ना मैं हैगी सो आज आवरिया घर जी में आवरे लगे रहती बे आवरिया घर तक कातक भाई सब री सखियां सो अबे फेस जाने होते अच्छे तैयार हो के वो अच्छे अपने सब फलाहार लेके सब घर परिवार के सब जने बढ़िया अच्छे बच्चे से जाने होते और फिर पूरे गाँव में परिक्रमा लगने आज बहुत अच्छा लगना है तुम देखियो पूरा ब्लॉग बहुत टॉप का लगने आज पूरे दिन भर में हम चाची कहते हो कि आवे जी में भी जल तन का ही टाइम रह गो सो उनके ते भी के आवे हम जो सब जनन को पूरे घर परिवार को सब को इकट्ठे होकर जाने हैं सो उनके ते हो के भी जाए अगर हम चाची कहते हैं जे हैं जाके चलो जल्दी हो जाओ तुम तो जाए तक नहीं भाई हम सुबह रह के गए थे हो चल रहे की देख टाइम में इन्हें तैयार कर दो हम रह गए तुम रह गई तो जल्दी हो जाओ तुम भी तैयार हो जाओ टाइम नहीं बचो अपन सब जन जान लगे हैं जान लगी हाउ ओ चाची रूबी उनके ते देख के आवे हल्को वही नहीं आते मौसी के गई घूमे मौसी के चली गई हाँ। तो रूबी हूं नहीं है तो अपने चलो हाँ। है मम्मी चल रही हाँ मम्मी चल रही हम तुम सब जने चल रहे हो हाँ, देखो भाई साहब तो हमें पता नहीं जा को कितने जा रहा है तब जाए तो खूबी तीका से चल रही है जैसे शादियों में जा रहे हुए बहन जी यही से समझ लो कहाँ जा रही हम अपने यहाँ जा रहे हैं आज है देखियो तुम इतनी बिगड़ो ने गाँव भर की सखी और सब बताओ सोचो गाँव भर पूरे गाँव से सखी अपनी अपनी काते का ना और सब अपने पूरे परिवार समेत जाऊती देखो भाई सब तो एक जने आना है कहते को देखो कितने जने जा रहे हैं बबीता दीदी के संगे जो प्रियंका चाची बबीता दीदी आ इन इनके पीछे देखो जो बबीता दीदी आ देखो पहले वीडियो बनाए एक चक्का में हम काय में गप गए जे खच पाए में भाई तो देखो जे आई थी सब जने आगे पीछे वो बहुत जने निकल गई और देखो पीछे भी चली आई सब जने भाई तो हो और क्या की पूजा जा है और क्या को पेड़ो है देखो बबीता दीदी कहा आप तुम देखो हम बहुत लेट हो गए थे बहुत जल्दी आ गए सब जाने तो पवित्र दीदी की हो गई थे पूजा शुरू तो जी बिंदी रखे पहले बिंदी रखे फिर कलावा का फिर हम गम्मा देव शुरू करें तो गाइस तो जे हम अपने जवा जे हैं चाची अब हम तो बना कर लगे अपने पैगम्मा लगा लगे भावना पवित्र दीदी अपनी पूजा कर लें फिर भी पैगम्मा दे लगे तो इतने पोती हो रहे जब बबीता महाराज होने किया जब बबीता दीदी होने सब जाने सुन नहीं देखो जी सब जाने बैठी थे इतने घर रही और ये लेकर इतने बहुत डर है देखो कितने बड़ो इतने कुगा है गो जब तो इतने देखो आस पास को भी आनंद नहीं थे कि बच्चा ना मैं छोटी की माँ सब जाने बड़ी बड़ी इतने आस पास बैठी है तो गाइस देखो कितनी बिंदी लग गई हमें और सब सखियां देखो पूजा कर रही वो कौन जने खान लगी देखो कितने हैं सब जने जे और रहेंगे और हम आए थे आवरिया घेरवे के लाने पूजा करवे के लाने आए थे तो सब की हमारी पूजा हो गई परिक्रमा भी लग गए तो जो काय के लाने तक जा रही चल रही हम दीदी से पूछा दीदी कितने जा रही जी सब लेके जवान को का करने जवान को गांव में ऐसे बैठ जाने आते हैं सो जम तो नहीं है लेकिन करो जाते जो ऐसा गाइस हम देखो अपने जवा और गांठ सब लेके अब ठाकुर जी के पास जा रहे और जी मौसी हैं मम्मी हैं और चाची होने जी अपनी डलिया रख के अब घर चले जाए सीधे इधर ठाकुर जी की पूजा हो गया फेज हम गांव में देखो जाओ ठाकुर जी की पूजा अब तो बिल्कुल ही नदी सूख गई है मैं दीदी होने आती हूँ रोजीना ये मैं नहा के चली जाती देखो ये कैसी पत्थर कड़ी बिल्कुल भी पानी नहीं जो पानी है से बिल्कुल गंद होगा देखो इतने अलग ठाकुर जी है इतने अलग है तो इतने जाने जी आ गए लेकिन देखो रोड से आते ही जा रहे हैं इतने जाने जो दोबल्ला के पाए कम्मा बे बबीता दीदी उन्हें सब जाने दे रहे हैं बस इतने के पाए कम्मा दब के पास तुलसिया नो तुमने देखो जे दे बबीता दीदी उन्हें देखो कितने जाने आ गए थे देखो अलग अलग ठाकुर जी हैं इतने सब जाने आ रहे थे तो पर कमा दो मैं फिर गांव में जे से तो इतने सब सफाई अभियान चल रहा का बात है नदी के ढिया है हाँ अपने अपने खेत में ना देखो जे हो गए सब जे हो गए हाँ सही किए ये खेत वो गए देखो इतने अपने बनाए जब भी सब जाने बनाए थे तुम का बनाए
इतना जा जो कांटे को काटी है थी उन्हें अपनी फसल बहने आज जमात के नहीं हमें रोज अबे बहने हाँ 5-6 दिन तक रोज पानी डालना सीखने हैं फिर काट भी आ सही है देखो इधर सब जाने लगी थे मेहनत का है खिलाने हमने तो सोची कि जाने तक कौन सा सवाया हुआ खो लगा एकदम वही भाई सब तो जन्ना दी देखो एक दिन हमने इतने नहा तो तुझे पत्थर मत्थर सब डूबे हाथे आज देखो सब का शुकड़िया इतनी खेतन की सिंचाई हो रही तो यही की मार तो है नशा से हुआ जो खेत है की जता है बना दो खेत की तरह तो बना दो खाई के बहुत जाए अपनी अपनी सब जने फसल काट तो पुणे तो 5-6 दिन आएगा जब तक हो जाएगा जम जाते ही ब्राह्मण के व्रत के प्रभाव से सख्त सजावट जा फसल है देखा था तुम्हारी कैसी जम रही की का हुआ सब अपनी अपनी गाइस तो हमारे खेत तो बुब गए और देखो ये सब जने अपने अपने बेरे ब्लाज जने देखो कितनी सखियां है नदी पे बड़ो अच्छो लगता है पता नदी का पूरा पानी सूख गए ऐसे तनक तनक गड़न में भरो और जो खेत की सिंचाई हो उकेलाने सबने पानी रोक लाओ सो पानी आगे का आने का यही गड़ा है नहीं ओन में हम वहाँ नहाते हैं देखो तनक तनक से पानी यही में रख देने आते ही में नहात अब वो ही 4-5 दिन 6 दिन रह गए और 6 दिन पूरे आराम से निकालने लेते बस फिर हो गए पूरा काते हम उनको हम भी आए तुम भी आए तुम्हारा वीडियो देखा जी को नदी का विकास करो तुम देखो ये तो सखी छिड़ गई हमारे यहाँ अभी तक जान फिर है भोपाल जात अजीर भूल गई धरती पे आके हम गौलो आए बरसानंद गांव वाले भी हम अपने संग मिलाए देखो क्या नाचने लगे जी गावे लगे लेकिन बहुत शाम हो गए अब 5:30-6 बजे वहाँ है लेकिन अभी तक खूब भी नहीं गया होते घर चलो महाराज के 11 बजे रात तक नहीं कोई छूट रहा शाम हो गई दोपहर से अब शाम हो गई लेकिन महाराज छोड़ नहीं रहे ठाड़ी का सिंगल रास्ता है ना तो शंकर जी ने जावे देखो देव है शंकर जी ना
उते पाए काम आ दे भी हम शंका जी अभी उतै कई एक जने निकल पा तो जने नहीं निकल पा से देखो हम वहाँ सब जने अभी इतना थाड़ी हो गए। दीदी ये जवा कहाँ फैलाएंगे हमें पूरे गांव भर में तो अनाज फैला हो जाती है हमारे की ऐसी परंपरा होती है कहते हैं पूरी सब सखियां जाती फैला सामान एक के ब्लॉक के है तो ब्लॉक फैला ला है तेरे देखो इंधेरो देखो कितना होगा दो बजे ने पट गए थे उते जब इसे साखी छिड़ी आवे ने के उते से बहुत देर होगा और भगवान हुए मंदिर में आ गए थे माता ने की ये हमारे यहाँ की माता मंदिर बनना है सुहा जी माता गाइस पूरा दिन होगा और आज पूरा गांव हमारा गाँव कौन छोटा सा है बहुत बड़ा तो गांव है और पूरे गांव में चलन दो दिन भर से उपास से बिल्कुल नहीं कछु खाओ और यही तरह खाए तना जो कछु थोड़ा सा खबो पूरे दिन भर होगा बहुत तो सैदात कर रहा देखो बिंदी के तय कहते लगी जे लगाई जाऊ सब जने सुहाग की लगाती है सुहा में भी लगी और पूरे देखो गांव भरे में आज फेरो पूरे गांव में तो हमारे में बे अनाज फैला हो जाते पूरे में काय फैला जाते ये वजह से एक मतलब परंपरा चली ही आ रही कि कार्तिक के महीना में जो सब कुछ पूजा पाठ करो ठाकुर जी मिल जाए और या घेरो और या घेर के जवा होता है जो अनाज अनाज को पूरे हार लगा पूरे गांव में पूरे को घेरने आते जी से कहा होता ही जो होता ही कि हमारे गांव में अच्छी फसल हो जाए पैदावार अब ही कहे कि अबे वो खेत भी बोब रहे मतलब खेत भी बोब रहे फसल भी बही जा रही और अबे हम उनको पूरी जितनी सखियाँ होती सब पूरे गांव भरे में वो कर भेजे अनाज को डारा जाए एक एक दो दो दाने पूरे गांव भरे में जे सो इसे हमारे गांव की अच्छी फसल हो जाए इके लाने कर रहे तो कहते कि वो पास ही सखियाँ रहती हैं सो इस वजह से उनके उस ज्यादा अच्छा हो रहे इस वजह से सब सखियाँ जाती हैं हम उन्हें भी गए थे आज लेकिन थक गए बहुत उतर तो रुक ही रहे बहुत टाइम सखियाँ छिड़ी रही फिर जब छूटे सो फिर पूरे गांव में किच पिच मची हमारे थे नल आउते ही सरकारी नल इन वजह से पूरे गांव में किच पिच मची सो बड़ी परेशानी भैया करवे करवे में आ पाए हम वही शाम के साढ़े सात आठ बज रहे जब घरे आ पाए अब अभी पूजा करने अपनी गांठ की और ठाकुर जी को भी ले आए हम घरे सब सखियाँ अपने अपने घरे ठाकुर जी को ले आती हैंगी पूरे महीना में एक दिन तो सबके घरे जाऊते ही हमारे तो बिला सखियाँ हैं सो चार पाँच जने एक दिन ले आते ही सो सब जने अपने अपने घरे ठाकुर जी की पूजा करें सो तैसे होके आ गए दो तीन जन के तो उनकी पूजा हो गई अब हमें अपने घर भी उनकी पूजा करें जो ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी नहीं ले आते जो उनके वो बिछौरा था ना वो कपड़ा होते छन्ना कत जी है वो कपड़ा की पूजा करे उन्हें ठाकुर जी मान के अच्छे से पूजा करे उनकी आज ऐसे तो स्टार्ट हो रहा असली व्रत हम उनको अबे तो ऐसा रहो कि एक टाइम फलाहार करना है दूसरी टाइम बढ़िया सब्जी बना के रोटी भी खाने दूसरी सब्जी बनते ही व्रत वाली दूसरी सब्जी बनते ही उपास वाली अलग से तो भी मिल जाती तो फिर भी पेट भर जाता लेकिन आज से ऐसा व्रत है गो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना सिर्फ फलाहार करो कहाँ तक करे इंसान पाँच छः दिन अब जब तक पुणे नहीं है तब तक ऐसे ही रहने बताओ मीठो खुबत भी नहीं है बिल्कुल हमसे तो कुछ भी नहीं खोपते कि कुछ भी खुबत हो चाहे दिन भर पानी में बनी रहे लेकिन मीठो सीठो कुछ भी नहीं खोपते और मीठो ही खाने आते ही नमक खा भी नहीं सका तब तो